the convener of Mahas, the group that was instrumental in the recent change of power during Karnataka's state elections, discusses their future goals and services for the Muslim community in an exclusive interview. He made clear that Mahas is firmly in support of the people and that the elected legislatures are devoted to resolving their problems. So people need not be discouraged. He also promised to look into the case of the innocent people caught in the DJ Halli violence. मसाइल बहुत सारे हैं और हर एक के साथ जुड़े हुए हैं. जैसा कि कहा जाता है कि मसाले जिंदा कौमों की पहचान है, मुर्दा कौमों के कोई मसाइल नहीं. हमारी इस रियासत में हुकूमत तब्दील हुई है, अवाम की बहुत सारी तवक्कात इस हुकूमत से हैं. पिछले चार पाँच साल से जो मसाइल दरपेश थे उनका एक हल सामने आएगा, चाहे वो टू बी रिज़र्वेशन का मसला हो या बहुत सारे हमारे, हम तो ये कहते हैं कि मासूम नौजवान जो इस वक्त सज़ा काट रहे हैं, जो हम समझते हैं कि उनकी कोई ख़ता नहीं थी, बावजूद उसके इस वक्त तो जेलों में बंद हैं, चाहे वो बेंगलुरु डिजहली के जहली का मसला हो या हुबली हो या आयलैंड हो. इस तरह के बहुत सारे साहली कर्नाटक के इलाक़ों में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, तो उनकी रिहाई का मसला है. तो हम इस बात की तवक्को करते हैं कि यह हुकूमत इन मसाइल को फेयरली डील करेगी और मज़लूमों के साथ इंसाफ होगा.